हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, सिंपल आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, और हम आरएमएस वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं और ये टर्म आई कहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आरएमएस वैल्यू से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि एवरेज वैल्यू निकाल होती क्या है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इट गिव्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज मीन वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने 11th में पीसीएम ली, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, तो आपके फिजिक्स में लेट से नंबर आए 95, ठीक है, केमिस्ट्री में आपके नंबर आए 85 और मैथ्स में आपके नंबर आए 80। ठीक है, अब आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सब सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, जितने भी नंबर आए सब सब्जेक्ट में, और उसको जितने सब्जेक्ट है टोटल उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ आएगा अराउंड 86.6, ये आपकी हो गई एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये तो बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है। अब हम आते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी विच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ डीसी इज अप्लाइड। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक सिंपल छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक है एसी सप्लाई, एक है आपके पास कोई डीसी सप्लाई। ठीक है, अब आपको कुछ वर्क करना है। ठीक है, अब आपको करना है 50 वॉट का कुछ काम करना है। ठीक है, और टाइम है आपके पास 5 सेकंड तक करना है आपको काम। ठीक है, तो कितनी रिक्वायर्ड होगी, मतलब कितना वोल्टेज चाहिएगा आपको। जब एसी की केस में आपको 50 वॉट का काम करना है 5 सेकंड के लिए, तो आपको रिक्वायर्ड है 220 वोल्ट, मतलब आपको 220 वोल्ट चाहिएंगे 50 वॉट का काम करने के लिए, वही 5 सेकंड तक। और जबकि डीसी के केस में आपको सिर्फ 200 वोल्ट ही चाहिएंगे। तो ये जो 220 वोल्ट वो है जो एसी में, तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू जो है ना, आरएमएस वैल्यू वो हो जाएगी 200 वोल्ट। ठीक है, अगर सिमिलरली करंट के केस में होता कि एसी है कोई कोई डीसी है, ठीक है, आपको करना है 5 वॉट का काम दोनों के केस में और 2 सेकंड तक करना है आपको। ठीक है, तो एसी के केस में तो आपको चाहिए हो रहे 10 एम्पियर, लेकिन डीसी के केस में आपका ये काम 8 एम्पियर में ही हो रहा है। तो ये जो 10 एम्पियर है, इसकी जो आरएमएस वैल्यू हुई, आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर वो हो जाएगी 8 एम्पियर। ठीक है, अब आपको ये जो मैंने दो एग्जांपल बताए, इनको आप इसकी ये जो डेफिनेशन है इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम आरएमएस को हम रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सिंपल सा मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सा एक रजिस्टर है, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई। ये हमारे यहाँ पे एसी सप्लाई है। ठीक है, अब ये एसी कोई भी हो सकती है, साइनोसॉइडल हो सकती है और ट्रेपिजोइडल हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम रजिस्टर लेता हूँ आर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई इफेक्टिव, ये आपकी बेसिकली है डीसी सप्लाई। ठीक है, अब मैं इसकी वेव फॉर्म बनाता हूँ। एसी के केस में मैं सपोज कर रहा हूँ कि साइनोसॉइडल सप्लाई लेके चल रहा है। ठीक है, हम आपकी मर्जी, आप कोई भी सप्लाई ले सकते हो। तो ये हमारी हो गई साइनोसॉइडल सप्लाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करंट और ये हमारा टाइम पीरियड टी। ठीक है, ये टोटल टाइम है टी, कैपिटल टी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है टोटल। अब मैं क्या करूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे वेवफॉर्म को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, सिमिलरली ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये एक और पार्ट हो गया, ऐसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये T1 टाइम पीरियड, ये T2 टाइम पीरियड, ये T3 टाइम पीरियड। ठीक है, और ये जो सेक्शन है, ये करंट I1 फ्लो हो रहा है इस टाइम, इसमें इस टाइम T2 के केस में I2 फ्लो हो रहा है,
T3 के केस में I3 फ्लो हो रहा है, ऐसे ही है कंटिन्यूसली पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो ये जो पूरा T वाला जो टाइम पीरियड है इसको मैंने N पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो T1, T2, T3 ऐसे N तक चलता जाएगा। तो ये जो छोटा सा एक सेक्शन होगा जो T1 वाला सेक्शन होगा, ये जो टाइम होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी T कैपिटल T यानी टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय N। सिमिलरली जो T2 टाइम होगा ये भी कितना हो जाएगा T अपॉन N। T3 के केस में भी क्या हो जाएगा कैपिटल T अपॉन N। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अभी यहाँ पे DC के केस में आते हैं, तो DC की वेब फॉर्म बनाता हूँ मैं, ये हो जाएगा DC। ठीक है, करंट टाइम पीरियड, तो ये की वैल्यू हो जाएगी I इफेक्टिव। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम सेम टाइम पीरियड के लिए ये सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जितनी देर के लिए हम AC सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही देर के लिए हम DC सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब AC है, AC के केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी, अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। टी यानी कितनी देर तक हमने करंट को फ्लो करवाया है उस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो मैं AC सप्लाई के केस में चलो चेक करते हैं, तो हीट इज इक्वल्स टू, अब मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पहले I1 वाले जो पार्ट है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी I1 स्क्वायर इंटू आर जिस रजिस्टर के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस छोटे सा सेक्शन जो है ये मैंने बताया अभी, ये वाला जो सेक्शन है इसका टाइम पीरियड कितना है कैपिटल T अपॉन N। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कैसे हुआ। प्लस अब जो सेकेंड सेक्शन है I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइडेड बाय N। ठीक है, थर्ड सेक्शन I3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RT डिवाइडेड बाय N। प्लस सिंपली ऐसे ही चलता जाएगा, ये जितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा टोटल N पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये एक आ जाएगा। ठीक है, DC के केस में हीट का क्या हो जाएगा, हीट इक्वल्स टू आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर जो रजिस्टर है और कितनी देर तक हम टाइम अप्लाई कर रहे हैं ये T टाइम तक। ठीक है, दोनों आ गए। अब जो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है दोनों केस में क्या होगी सेम। ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई AC में और ये जो हीट प्रोड्यूस हुई DC में ये दोनों सेम होंगी, तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आई इफेक्टिव का स्क्वायर मल्टीप्लाई RT, ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो इसमें RT बाय N तो कॉमन आ जाएगा, तो RT डिवाइड बाय N। ठीक है, अंदर क्या बचेगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RT से RT कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इफेक्टिव का स्क्वायर इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा N से। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। अब ये यहाँ पे आई इफेक्टिव स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को मैं अगर हटाऊंगा तो इस साइड रूट आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे रूट आ जाएगा पूरा। और अंदर क्या होगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन N तक, और डिवाइड किससे हो जाएगा टोटल N पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो वैल्यू है, ये जो अंदर जो वैल्यू आई ये क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एवरेज वैल्यू बताई थी यानी जो मीन वैल्यू जो बताई थी, उसमें हम क्या करते थे कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स थे उनको आपने जोड़ दिया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी आपके पास करंट है, जितने आपने पार्ट में डिवाइड किया I1 I2 I3 सबको सबके स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, सबके स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं और टोटल पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है मीन स्क्वायर, बेसिकली ये जो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर जो है, ठीक है, ये पूरा एक मीन है, ये एक मीन निकल रहा है यानी एवरेज वैल्यू निकल रही है किसकी स्क्वायर की निकल रही है, तो ये मीन स्क्वायर हो गया।
और ये किस में पूरा? रूट में। और ये किसकी वैल्यू है? आई इफेक्टिव की। ठीक है, तो अब यहाँ से बेसिकली ये क्या हो गया, आई इफेक्टिव इक्वल्स टू ये रूट आ गया, अंदर क्या आ गया, मीन। किसका मीन कर रहे हैं हम? स्क्वायर का, यानी स्क्वायर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस पूरे का स्क्वायर कर रहे तो ये मीन स्क्वायर हो गया, और ये रूट के अंदर है तो ये क्या हो गया, रूट, यानी ये वाला जो रूट अपन ने, ठीक है, और मीन स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर का जो हम मीन कर रहे हैं, ठीक है, और ये रूट जो लगा हुआ है, तो ये आई इफेक्टिव क्या हो गया, आर एम एस। तो हम आर एम एस वैल्यू को ये भी बोलते हैं कि जो आर एम एस वैल्यू जो होती है उसको हम ये भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, आपने जो एसी सप्लाई के किस में, मतलब जो एसी सप्लाई जो दी थी उसके अंदर जो उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है उसी को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। इसीलिए हम मैंने एक आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, यहाँ पे कि एसी की केस में आपको 220 वोल्ट चाहिए होते हैं और डीसी की केस में 200 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो 220 वोल्ट की जो आरएमएस वैल्यू हुई वो हुई 200 वोल्ट, बिकॉज इसमें इसके जो 20 वोल्ट है वो तो एक तरह से वेस्ट ही हुए ना, वो कहाँ यूज हो रहे हैं, तो आपके सिर्फ 200 वोल्ट ही यूज हो रहे हैं, तो ये 200 वोल्ट एक इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू, और जो एसी की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरएमएस वैल्यू ये टर्म कहाँ से आई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।